देशव्यापी आह्वान पर झुंझुनू में भी किसानों ने प्रमुख मांगों को लेकर के गिरफ्तारियां दी। शहीद स्मारक पर सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। यहां बैठक करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। इसके बाद पूर्व उप प्रमुख विद्याधर सिंह गिल के नेतृत्व में विरोध रैली शहीद स्मारक से लेकर के कलेक्ट्रेट तक निकाली गई, जहां पर पुलिस को गिरफ्तारियां दी गई, जिन्हें शहर से दूर ले जाकर के छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराने, किसानों को लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने और किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ करने जैसी मांगों को लेकर के देश के 192 किसान संगठनों ने दिल्ली में किसान संसद की थी, जिसमें एक साथ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रदर्शन में किसान संगठनों के अलावा अन्य कर्मचारी, युवा और छात्र संगठनों ने भी हिस्सा लिया है। पूरे हिंदुस्तान में किसान संगठन जितने भी हैं, उन्होंने मिलकर के और दो सूत्री मांग पत्र पर, जिसमें पहला है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो और एक सवाल है जो किसान की लागत है उसका डेढ़ गुना भाव दो, इसको लेकर के किसानों ने एक पहले संसद की थी और उस संसद में जो मांग पत्र तैयार किया गया था उसको पूरे हिंदुस्तान में ये मांग की जाएगी कि स्वामीनाथन कमीशन के लागू करने के लिए और डेढ़ गुना भाव देने का कानून जो है वो लोकसभा में किसान अपनी संसद में पास करके लाए हैं, लोकसभा में भी उस कानून को पास किया जाए। इस बात को लेकर के पूरे देश में और पूरे प्रांतों में आज किसानों ने, सभी किसान संगठनों ने गिरफ्तारियां दी हैं। किसान संघर्ष समन्वय समिति बना करके और उसके तहत पूरे देश में गिरफ्तारियों का जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें केवल दो ही मुद्दे हैं। एक तो किसान को पूर्णतया कर्ज मुक्त किया जाए, दूसरा किसान की उपज का उसको डेढ़ गुना भाव मिले। ये दो बातों को लेकर के आज पूरे हिंदुस्तान में किसानों ने गिरफ्तारियाँ दी हैं। अगर ये बातें नहीं मानी तो 19 तक जो भी सरकार बनाना चाहेंगे वो किसान के बिना नहीं बनेंगे और किसान इन दो बातों को जो सरकार पूरा करेगी उसी को वोट देंगे दिल्ली के शासन। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और फसल से डेढ़ गुना लागत का दाम, दो मांगों को लेकर के किसान धरती पुत्र एक बार फिर से सड़कों पर है और उसने गिरफ्तारियां भी दी हैं। अब देखना ये होगा कि बार बार आंदोलन धरती पुत्र करता है, लेकिन क्या प्रशासन नींद से जागेगा, क्या सरकार सत्ता नींद से जागेगी और इनकी सुध लेगी।